अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए बहुत ही मजे के बिल्कुल सॉफ्ट पनीर पकौड़ा लेके आए हैं, फुल ऑफ फ्लेवर, डिलीशियस और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें, आप जरूर ट्राई करें। चलिए देख लेते हैं हमने मजेदार से पकौड़ों को किस तरह बनाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मैंने पनीर लिया है 200 ग्राम, बेसन इसमें जाएगा 1 कप, ठीक है। स्पाइसेस आप देख लें इसमें जाएगा, मैं कूट के रख लेती हूँ जीरा और साबुत धनिया, उसको रोस्ट किया, ड्राई रोस्ट करके मैंने रमजान से पहले ही तैयारी कर ली थी, तो ये मैंने किया है। ये तकरीबन जाएगा 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा और स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। मैं इसमें 1/2 टीस्पून ही रेड चिली ले रही हूँ क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करनी है। इसके टेस्ट को और दुबला करने के लिए इसमें हरा धनिया जाएगा और ये ग्रीन चिलीज थी 2 अदद, ये इसके अंदर चली जाएंगी। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है, दैट्स इट। बस ये इसमें सारी चीजें थी। इसको हम थोड़ा थोड़े पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा इसको हम बैटर बना लेते हैं। बताते हैं आपको कितना थिक हमें इसका बैटर चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आपने बहुत अच्छे से इसको बीट करना है। जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे बैटर को, उतने ही अच्छे हमारे सॉफ्ट और फ्लफी से हमारे पनीर पकौड़ा बनेंगे। साथ ही आप ऑयल रख लें गर्म होने के लिए, साथ के साथ आपने इसको फिर फ्राई कर लेना है जब ये अच्छे से बैटर के। देख लें इसकी इतनी थिकनेस हमें चाहिए। बहुत ज्यादा पतला करेंगे तो वो पनीर पे ठहरेगा नहीं, और बहुत ज्यादा मोटा कर देंगे तो वो अजीब सा उसके ऊपर थिक सी लेयर आ जाएगी बेसन की, वो भी नहीं हमें चाहिए। ठीक है फ्लेयर, ऑयल गर्म हो गया है और ये देखिए मैं आपको बता दूं कि किस तरह हमें कितना बैटर चाहिए। ये देख लें इस तरह से कोट होना चाहिए बैटर में। अब क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है इसलिए मैं ज्यादा आपको दिखा नहीं पाऊंगी, साथ साथ ही हम इसमें बॉल करते जाएंगे। बस इतना थिक बैटर होना चाहिए, आप अंदाजे से रख लीजिएगा कि पूरे पनीर पे जो है कोट हो जाए। स्पून से डाल लें, हाथों की मदद से डाल लें, बहुत ध्यान रखिए रमजान में अपना। स्पेशली बच्चियां हैं हमारी, नया नया जिन्होंने स्टार्ट किया होता है, ऑयल बहुत गर्म होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैटर जो बची है इसमें आप पालक, प्याज या आलू डाल लें जो आपके घर में पसंद किया जाता है, और इसके मजीद पकौड़े बन जाएंगे। 1 कप बहुत होता है बैटर 200 ग्राम पनीर के लिए। चलिए जी, पनीर तो हमारा हमने 1 बाइट ही लिया इसलिए बहुत छोटा है, बस उसको तो हमने जस्ट कुक करने की इतनी जरूरत नहीं है। इतना कुक करना है कि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से कुक हो जाए। 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म हुआ होगा, खूबसूरत से इनका कलर आ जाएगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह पनीर पकौड़ा रेडी हो गए हैं। जरूर ट्राई करें। रमजान मुबारक, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।